अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं जो रेसिपी आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है देगी आलू गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी प्याज चाहिए, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंगे, 2 काली इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 1 कप दही, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 चम्मच, नमक 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 750 ग्राम मटन, 2 दरमियाने साइज के आलू, जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून। अब गोश्त में तमाम मसाले और दही डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अब पैन में 1/2 कप घी डालें। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए तो इसमें प्याज और साबुत गरम मसाला डालकर लाइट गोल्डन ब्राउन करें। अब मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालें और इसको अच्छे तरीके से भून लें। जब गोश्त भुन जाए तो इसमें 4-5 कप पानी डालें। अब इसको कवर करके धीमी आंच पे इतना पकाएं कि गोश्त आधा गल जाए। जब गोश्त आधा गल जाए तो इसमें आलू डालें। और आलू डालकर कवर करके मज़ीद 20 मिनट के लिए पकाएं। अब ग्रेवी के लिए हस्बे ज़रूरत पानी डालें और साथ ही जायफल जावित्री का पाउडर डालकर पांच मिनट के लिए दम पे रख दें। तो लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार देगी आलू गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।